बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम 7.1 एक्सरसाइज की 20 प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेट करना है 2-3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया है दो पार्ट में, यानी दो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, तो 2 अपान cos² लिखा है और फिर माइनस का साइन है 3 sin x के अपान में भी कॉस स्क्वायर यहाँ पर हमने कर दिया और फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर दिया। दो टर्म हैं तो दोनों का अलग अलग लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए 2 अपान cos² का इंटीग्रेशन माइनस 3 sin x अपान cos² का अलग इंटीग्रेशन किया हमने। अब अगले स्टेप में इस 2 जो कॉन्स्टेंट है इसको तो हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और 1 अपान cos² की वैल्यू जो होगी, 1 अपान cos² होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे dx। माइनस 3 कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं sin x अपान cos x और यहाँ पर 1 का इंटू मान लें और इस 1 cos की पावर को यहाँ पे लिख दें, क्योंकि cos इंटू cos cos स्क्वायर को यहाँ पर ये ऐसे करके लिख दिया। 2 क्योंकि इस डायरेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, हमें स्टैंडर्ड फार्म बदलना चाह रहे हैं, यानी फार्मूला कोई हो तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 10x होता है, इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया 3 into ये sin upon cos 10x के इक्वल होता है और 1 upon cos की वैल्यू sec x के इक्वल होती है और हम लोग जानते हैं sec x into 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, क्योंकि sec x का जब हम डिफ्रेंसीशन करते हैं आता है sec x into 10x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 21 से लेके 22 क्वेश्चन दो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो जो है इसमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको, यानी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है √x + 1/√x का। तो इसको दो पार्ट में, दो टर्म है तो इसको अलग अलग बांट लेते हैं। √x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन करना होगा। ये अपने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको किया है। आप √√ हटाते हैं, पावर 1/2 होगी और मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर भी 1/2 होगी, लेकिन 1/2 में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर उसकी माइनस की 1/2 हो जाएगी और यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक जुड़ जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी, इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे तो पावर 1/2 में एक ऐड हो जाएगी, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से x की पावर -1/2 में 1 ऐड होगा और जितनी पावर होती है उतनी अपान में भी आता है, यानी 1/2 + 1 और कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। अब ये पावर हो जाएगी 3/2 ऐड होने के बाद, 3/2 अपान में भी 3/2 प्लस ये एक में से अब हाफ माइनस होगी तो हाफ बचेगा यानी 1/2, ऐसे इधर भी हाफ हो जाएगा और ये डबल अपान में है 2 तो इस 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, यानी 2/3 इन टाइम्स एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 का इधर इंटू हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस का सी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो ए नहीं है, बी नहीं है और सी हमारा आंसर है। ये हमारा ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पूरा सी लिख के और इसके आंसर को लिख देंगे। 22 में देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, हमको दे रखा है इफ़ dy/dx fx की वैल्यू दे रखी है 4x³ माइनस का 3x⁴ और सच दैट f2 की वैल्यू हमको दे रखी है कि ये 0 के बराबर है। तो fx हमें फाइंड करना है, यानी fx निकालने के लिए डेरिवेटिव हटाएं तो डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रल यहाँ पर लेके आएंगे और ये जो कंडीशन दे रखी है वो जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसको हटाने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम जब यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन हो रहा है 4x³ - 3/x⁴ dx, तो ये dx से dx हट जाएगी, ये दोनों हट जाएंगे इंटीग्रेशन से डी, तो बचेगा ओनली यहाँ पर लेफ्ट में fx बचेगा और इसमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 4x³ का अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और 3x⁴ का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके इंटीग्रेट किया है अलग अलग।
और फोर कॉन्स्टेंट है, इसको यहाँ पे बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर थ्री को बाहर ले लेंगे, इस एक्स की पावर फोर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगी पावर फोर, तो ये एफ एक्स के बराबर चल रहा है। इंटीग्रेट करते हैं, पावर एक ऐड हो जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाता है, और ऐसा ही इसके साथ में होगा, जो हमने पहले फार्मूला लिखा था 21 क्वेश्चन में वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है, पावर भी अपान में वही आ जाएगी। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा, वो हमने ऐड कर दिया, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है 4 इंटू एक्स की पावर, यहाँ 4 हो जाएगी, अपान में भी 4 है, माइनस 3 टू एक्स की पावर माइनस 3 अपान 3 होगा, लेकिन माइनस का 3 होगा, प्लस सी 4 से 4 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर माइनस 3। और इस माइनस 3 को प्लस में बदलने के लिए हम इसको 1 अपान में करके लिख देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 प्लस सी, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और हमको गिविन है कि जब एक्स की वैल्यू 2 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें बता दी गई है 0 के बराबर है, क्योंकि बताया गया है f2 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 2 रखना है, फंक्शन की वैल्यू 0 रखना है, x की वैल्यू रखना है 2, तो जहाँ पर भी x मिला वहाँ पर हमने इसको 2 रख दिया, और q था q कर दिया, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और ये 1/8 आ गया, प्लस का c। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अपान वन करते हुए एलसीएम ले लें 8 को, 48 तो 4 और ये 12, और प्लस का 1, सी की वैल्यू फाइंड करना है, ये हो जाएगा 129/8 प्लस का सी, सी निकालना है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस को हो जाएगा 129/8, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारा जो आंसर है, सही आंसर जो है वो ए है, तो ए आंसर हमारा सही है, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।